आपके मॉड्यूल्स के दम पे ही और आपके नॉलेज के दम पे ही आपको आगे जॉब मिल सके। मतलब संजीव कपूर ये कहना चाहते हैं कि जेट एयरवेज एक लंबा रेस का घोड़ा है, यानी कि बहुत लंबा इसको ले जाना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइस, करीब एक सप्ताह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हो, बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रेक पे था। मैं सोचा कि इसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, बट 7 दिन थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने जितने मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं एमी के ऊपर, पायलट के ऊपर, जॉब वैकेंसीज के ऊपर, सैलरी के ऊपर, सभी देख लिए होंगे 7 दिन में, बिकॉज मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि आप एक वीडियो देख रहे थे, एक वीडियो नहीं देख रहे थे, तो 7 दिन के गैप में होपफुली आप लोगों ने सारे वीडियो देख लिया होगा। और आप में से बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जेट एयरवेज का अपडेट दो, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर एमी कोर्स करने के लिए अभी प्रेजेंट में 2022 में कौन सा एमी कॉलेज बढ़िया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आज के इस टॉपिक में, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें, ताकि फुल इन्फॉर्मेशन एंड फुल नॉलेज आपको यहां से मिल सके। तो गाइज, आप इसी तरह के कंटेंट्स के लिए एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर इंडिया में 2022 में कौन सा ऐसा एमी कॉलेज है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा एमी कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और अपना एमी कोर्स जो है वो कर सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भाई आप बता दो कि कौन सा एमी कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा, और जहाँ पे फीस भी कम लगे और जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छा हो, जहाँ से मॉड्यूल्स वगैरह भी क्लियर हो और जहाँ पे मेरा सुविधा भी हो। देखो, मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार, यानी कि जो मैं प्रीवियस वीडियो बनाया था इसके ऊपर, एमी कॉलेज के ऊपर, उसमें मैं कहा था कि सबसे पहला चीज तो आपको एमी कोर्स में ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में टोटल 32 या 33 ऐसे कॉलेजेस हैं। अगर आप जाओगे डीजीसीए के साइट पे, और आप ये भी सर्च कर सकते हो www.dgca.gov.in, तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आपको DGCA बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक एमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के PDF दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। और गाइस, सबसे मेन चीज ये, सबसे मेन टॉपिक ये कि आपको कौन सा एमी कॉलेज चुनना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि मान लो अगर आप बिहार से हो, या अगर आप महाराष्ट्र से हो, या अगर आप कहीं से भी हो, तो आप कोशिश ये करो कि आपके जो नियरेस्ट है, यानी कि अगर आप बिहार से हो तो आप कोशिश ये करो ज्यादा दूर ना जाके आपके नियरेस्ट सिटीज में ही अगर कोई एमी कॉलेज है, DGCA CR 147 अप्रूव्ड है और उस लिस्ट में उसका नाम भी है, तो आप वहां पे प्राइस कंपेयर करो, ठीक है, उस कॉलेजेस का पूरा डिटेल्स निकालो कि उसमें क्या प्राइस है, ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना है, क्या है, तब आप वहां से कर सकते हो। बिकॉज अभी जो एमी कोर्स है उसका फीस अराउंड 7 to 8 lakhs बहुत जगह पे कर दिया है, बिकॉज इसका आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग करवाता है। तो अगर आप लोन से भी जाते हो तो आपको 4-5 lakh गवर्नमेंट लोन देती है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आप पहले प्राइस कंपेयर करें। और गाइस देखो, ऐसा कोई एमी कॉलेज का अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो ऐसा कोई टॉप कॉलेज नहीं है, बिकॉज सारे एमी कॉलेज का वही सिलेबस है, CR 147 से अप्रूव्ड है, वैसे ही पढ़ाता है, ट्रेनिंग का शेड्यूल भी वही है, बट द मेन थिंग इज दैट आपके मॉड्यूल्स के दम पे ही और आपके नॉलेज के दम पे ही आपको आगे जॉब मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी ये फिक्स नहीं है कि यही कॉलेज बेस्ट है एमी का, या वही कॉलेज बेस्ट है, आपको जहां भी मिल रहा है वहां आप लो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मॉड्यूल्स क्लियर करो और बस आप आगे जॉब ले सकते हो। इसमें 110% फैक्ट है, बिकॉज सारे एमी कॉलेज एक तरह के होते हैं, एक तरह के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और जॉब अल्टीमेटली आपको लेना है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे गलत ही बोलेंगे, लेकिन जो सच है, जो रियल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं आज के दूसरे ऐसा लेटेस्ट न्यूज के बारे में जो कि निकल के आ रहा है जेट एयरवेज से। तो गाइस, जेट एयरवेज का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। सो अभी का जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि फाइनल मैं आपको बता दिया था कि जेट एयरवेज को AOP मिल चुका है, यानी कि एयर ऑपरेटर परमिट मिल चुका है, अब बस ऑपरेशन स्टार्ट होने का देर है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे संजीव कपूर से, यानी कि जेट एयरवेज से पूछ रहे थे कि भाई इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो जेट एयरवेज ने ट्विटर पे रिप्लाई देते हुए कहा है कि जेट एयरवेज जो है, जेट एयरवेज का जो रेस है वो एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं है। तो स्प्रिंट मतलब थोड़े दूर ही दौड़ना है, लेकिन बहुत तेज दौड़ना है, और मैराथन में बहुत लंबा दौड़ना है, धीरे 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 दौड़ना है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब संजीव कपूर ये कहना चाहते हैं कि जेट एयरवेज एक लंबा रेस का घोड़ा है, यानी कि बहुत लंबा इसको ले जाना है। स्प्रिंट नहीं है कि मैं आज जेट एयरवेज के बारे में सारा प्लान, 2-3 plans होगा मैं कर दूंगा, हजारों लाखों ऐसे प्लान होंगे जो संजीव कपूर जेट एयरवेज के मैनेजमेंट है वो होल्ड कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर आप लोग साथ शेयर करेगा। सो गाइस, बस यही था आज का न्यूज़ और ये एमी कॉलेज के बारे में कुछ डिटेल्स।
आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। और मैं 7 डेज का गैप पे था, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएगा है वेशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड। तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। सो कम ऑन, अगर आप चाहते हो कोई क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट है आपको, तो मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो। गाइस मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स डालता हूँ, विलेज ब्लॉग डालता हूँ, तो मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राजीव रंजन ब्लॉग्स। अगर आप में जिनको भी इंटरेस्ट है जाके मेरा ब्लॉग्स देख सकते हो, ट्रैवल इधर उधर घूमने जाता हूँ, मेरे लाइफ के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करो। सर चलो मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग मोटिवेटेड लेट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनी बड़ी बैटर करेंसी यू। जय हिंद।